हम लोग का। देखिए हम लोग पेशेंट को आधा दूर छोड़ के आए हैं, इतना पब्लिक इतना सब देख रहे हैं, इतना सब पब्लिक भी कुछ नहीं कर पा रहे, पेशेंट का प्राण नहीं बचा पा रहे, तो ये रोडे नहीं बना है तो कहाँ से बचाने पाएंगे। सब महिला पूरा पुरुष पूरा बाल पूरा बच्चा सब जन तो यहाँ आके खड़ा है हम लोग, तो मर जाओ रोड के चलते मर जाए। अभी दो चार पाँच दिन हो रहा कल ही तो उसका 10 कर्म खत्म हम लोग किए हैं, कोई नहीं जाने पाया वहाँ हॉस्पिटल में। सर बस इतना ही है, डीएम आवा हो रोड बनवा के ही जाएगा तभी हम लोग यहाँ जाने देंगे, अकि नहीं जाने देंगे। वो जो भी कुछ भी करे, जितना पब्लिक है वो मरना चाहेगा तो मार के फेंक दे, हम लोग शासने का आदमी है, इससे हम लोग बाकी कुछ भी नहीं मांग कर रहे हैं, बस हमको रोड बना दे। आज 18 तारीख को अभी नवकी ग्राम में मैं मौके पर उपस्थित हुआ, साथ में मेरे साथ डीएमओ भी उपस्थित हुए। एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी थी पर गांव से मुख्य मार्ग तक आने के लिए रोड बहुत ही बुरी स्थिति पे है, जिस पे एम्बुलेंस जाना संभव नहीं था। तो हमने तत्काल प्रभाव से डीएमओ द्वारा जहाँ पे मरीज़ था वहाँ पे जाके उसका मुआयना किया, जांच किया मरीज़ का, और उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से रेफ़र करना करने हेतु डीएमओ ने निर्देश दिया। तो हमने उस मरीज को तत्काल प्रभाव से गाड़ी में बैठाया एम्बुलेंस से और उनको हॉस्पिटल के लिए रवाना किया है। मरीज को एम्बुलेंस तक उनको खटिया के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा ही उनके जो निवास स्थान है जो मरीज का, वहाँ से मुख्य मार्ग तक लाया गया। क्या मानते हैं इस संबंध में? ग्राम पंचायत से मैंने बात किया, सरपंच से बात हुआ, सचिव से भी। तो इस गांव में दो मुख्य रास्ते हैं जो मुख्य मार्ग तक जोड़ते हैं गांव को। तो अभी बरसात अत्यधिक यहां पे हुआ तो एक मार्ग तो पूर्ण तरीके से मतलब आवागमन के उपयोग नहीं किया जा सकता, एक और मार्ग है वहाँ पे सचिव द्वारा बताया गया कि इसके लिए फाइल जिला पंचायत भेज दिया गया है, इसमें पुल निर्माण हेतु 40 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ है। कब तक सड़क बनेगी? जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और यथासंभव पुल का निर्माण करते हुए आवागमन हेतु सुचारू रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। ये अभी एक घंटा पहले सूचना प्राप्त हुआ था कि एक मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना था और रास्ते में चूँकि बरसात के कारण रास्ता काफ़ी ख़राब था, इस कारण से वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रहा था और तत्काल ग्रामीण के माध्यम से सूचना और अन्य के माध्यम सूचना जिसे प्राप्त हुई और एक स्वाट तत्काल वहाँ पहुँचा, परंतु उस जगह पर नहीं पहुँचने के कारण मरीज को अस्पताल तक शिफ्ट होने करने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। क्या मैं लेके आया मरीज को सर एम्बुलेंस तक? जहाँ पर मरीज को जिस घर के बाजू में रखा गया था वहाँ पर ये खाट के माध्यम से उनको एम्बुलेंस तक लाया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।